अरे मोदी जी, कम से कम मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तो बख्श दिया होता। एक ऐसे वक्त जब देश ये सोच रहा था कि प्रज्ञा ठाकुर से ज्यादा शर्मनाक और घटिया बयान नहीं हो सकता, जिसमें उन्होंने शहीद हेमंत करकरे को श्राप दिया था, उसे चुनौती देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आ गए हैं। और ऐसे वक्त मुझे याद आता है फिल्म तनु वेड्स मनु का ये डायलॉग, अभी तो हमें याद है ना, अभी तो हमें और जलील होना है। देखिए, सवाल ये नहीं कि ये हमारे हिंदू संस्कार हैं, सवाल ये नहीं कि ये हमारे भारतीय संस्कार हैं। इंसानियत का तकाजा है कि जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, जीवित नहीं है, उसके बारे में हम अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, उस पर हम हमला नहीं करते, उसे हम गाली नहीं देते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान अगर किसी छुटभैया नेता ने कहा होता, किसी ट्विटर ट्रोल ने कहा होता, जिन्हें आप अक्सर फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री, तो बात समझ आती। मगर आपने ये बयान खुद दिया है। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। 21 मई 1991 तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर, राजीव गांधी भीड़ में कूदकर अपने चाहने वालों से मिल रहे होते हैं। एलटीटीई की सुसाइड बॉम्बर धानु हाथ में माला लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। उस वक्त लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त राजीव गांधी को आभास भी नहीं होगा कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। ये था राजीव गांधी का आखिरी लम्हा, ये था उनका जीवन काल। प्रधानमंत्री, क्या आप इस जीवन काल की बात कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री ने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि वो क्या बयान दे रहे हैं? ऐसे में मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी है। क्या कहा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी, जंग खत्म हो चुकी है, आपका कर्म आपका इंतजार कर रहा है। खुद के बारे में अपने विचारों को मेरे पिता पर थोपने से आप नहीं बचेंगे। मेरा ढेर सारा प्यार और एक बड़ी सी झप्पी, राहुल। देखिए, बहुत आसान होता राहुल गांधी के लिए कि वो भी अपने अंदर खटास नफरत भर सकते थे, क्योंकि न सिर्फ उनके पिता यानी कि राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले में मारे गए, उनकी दादी का भी वही हश्र हुआ था। मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि आपको देश की जनता का इतना प्यार मिलता है, आपकी इस कदर कल्ट फॉलोइंग है, आपके अंदर इतनी नफरत क्यों भरी हुई है, और बार बार आपका हर बयान अपने पिछले बयान के रिकॉर्ड को क्यों तोड़ रहा है, बार बार आप लक्ष्मण रेखा क्यों पार कर रहे हैं? ये बात हमारी समझ से परे है। एक ऐसा शख्स जिसे इतना प्यार मिल रहा है देश की जनता का, आखिर क्यों मोदी जी? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, साल 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी थी। मेरा सवाल यह कि पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1998 से 2004 के बीच क्या कर रही थी जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी थी उनकी मौत के 13 साल बाद। और रही बात अटल जी की, तो मैं आपको अटल जी के इस बयान की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अटल जी ने कहा था कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्हें किसी तरह से पता चल गया था कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है और मुझे विदेश में इलाज की जरूरत है। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि वो मुझे संयुक्त राष्ट्र में एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो इस अवसर का इस्तेमाल अपने इलाज में लगाएंगे। मैं न्यूयॉर्क गया और आज अगर मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी के चलते मैं जिंदा हूं। यानी कि खुद अटल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे कद्दावर नेता हैं,
सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं, वो भी मान रहे हैं कि अगर आज वो जीवित हैं तो राजीव गांधी की वजह से। मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने बयान दिया था तो क्या आपके जहन में अटल जी का यह बयान आया था या फिर दिल्ली हाईकोर्ट का वो फैसला आया था? दोस्तों, इस बयान की सख्त आलोचना हुई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बैनर्जी हो, तेजस्वी यादव हैं, सभी ने एक स्वर में इसकी आलोचना की है। यही नहीं, ट्विटर पर भी अगर आप देखें, मोदी भक्तों को छोड़ के बाकी सभी लोग जो हैं, चाहे पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, फिल्म स्टार्स हों, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शर्मनाक बयान की आलोचना की और कहीं ना कहीं हमें याद आ गई है एक और शर्मनाक बयान की। इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है, मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। मणि शंकर अय्यर के इस बयान की जितनी भी आलोचना की जाए कम है, मगर मणि शंकर अय्यर के इस बयान पर उनकी आलोचना हुई, उन पर कार्रवाई हुई। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच में हैं, मगर जब आप राजीव गांधी पर हमला करते हैं मोदी जी, तो आप ये भूल जाते हैं कि आज राजीव जी हमारे बीच जिंदा नहीं है। और एक मृत व्यक्ति के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे शहीद का दर्जा भी लोग देते हैं, जिन्हें भारत रत्न मिला है, उनके बारे में आपने ये बयान दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नहीं रुके, उन्होंने सीकर में अपनी रैली में आर्मी तक का मजाक उड़ाया, यानी कि राजनीतिक नफरतों में न जाने कितनी लक्ष्मण रेखाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार कर रहे हैं। सुनिए, पहले उपेक्षा, बाद में विरोध, और अब हमने भी किया था मीटू। अरे तेरी मीटू। आपने गौर किया इस बयान पर? प्रधानमंत्री की सबसे अहम बात यह है, अरे तेरी मीटू, यानी कि मीटू अभियान के लिए भी प्रधानमंत्री के जहन में कितनी नफरत है। वो मीटू अभियान जिसका मकसद क्या था कि जिन महिलाओं को का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, वो सामने उभर कर आई थी। और इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस मीटू अभियान से कितने असहज थे, क्योंकि उनके अपने एक मंत्री एमजे अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे अभियान के लिए क्या राय रखते हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज ब्रांड यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में इतनी नफरत है, अमित शाह पीछे कहां रहते हैं? गौर कीजिए अमित शाह के इस बयान पर। अमित शाह कहते हैं, बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद देश में खुशियां मनाई जाने लगी, मगर दो जगह मातम छा गया, एक तो पाकिस्तान में और दूसरा राहुल बाबा के कार्यालय में। मैं पसोपेश में पड़ गया हूं कि आतंकी तो पाकिस्तान के मरे हैं, इन्हें दुख क्यों है? वो इनके चचेरे ममेरे थे क्या? जी हां, अब यहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी के रिश्तेदारों को भी आतंकवादी बना दिया। तो जैसे मैंने कहा ना, क्या कोई हद है जिसे नहीं पार किया है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? दोस्तों, इसी के चलते हो क्या रहा है, संवाद लगातार गिर रहा है, और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। यही चीज उनकी जुबान में, उनकी भाषा में सामने उभर कर आती है। आप अपने आसपास देखिए, जितने भी मोदी भक्त हैं, समर्थक नहीं, जितने भी मोदी भक्त हैं, आप उनकी जुबान देखिए, देखिए किस तरह से बात बात पर वो गाली देने लगते हैं। ऐसा क्यों है? इतने नाराज क्यों हैं 5 साल में सत्ता में रहने के बाद भी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के अंदर जो ज्वाला है, जो तूफान है, वो इन पर प्रतिबिंबित हो रहा है, उन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? यही वजह है कि एक शख्स न जाने कहां से निकल कर आता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद इसी शख्स की पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पति मोदी जी के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक व्यक्ति के प्रति जो आपकी मोहब्बत, आपकी भक्ति आपको गलत रास्ते पर ले जा रही है,
तो आपकी भक्ति में खोट है। क्योंकि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो किसी भी सूरत में उस व्यक्ति की प्रेरणा हमें गलत रास्ते पर नहीं ला सकती। मगर आपने गौर किया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू की नाकामियों की बात करते हैं, उन्हें उलाहना देते हैं, इंदिरा गांधी की नाकामियों की बात करते हैं, राजीव गांधी के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मनमोहन सिंह के बारे में अनाप शनाप कहते हैं, मगर पिछले 5 सालों के बारे में क्यों कम बोलते हैं? अच्छे दिन कहां चले गए? अच्छे दिनों का तो पता ही नहीं दोस्तों, मगर एक सुनियोजित ढंग से हमारे अंदर इस कदर जहर भरा जा रहा है ना, जिसकी कोई अति नहीं है। और इस जहर को निकलते निकलते न जाने कितना वक्त निकल जाएगा और देश को इसकी न जाने क्या कीमत देनी पड़ेगी। आज हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने आप को नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा अवतार समझता है। हर छोटे से छोटा नेता सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है, और कोई अगर सवाल करता है तो बहुत उग्र भी हो जाता है। आइए मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखाता हूं। उम्मीदवार गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे साथ हैं, अभी इनसे जान रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर आपके द्वारा जो कार्य किए तो क्या ऐसे काम किए जिसके आप आज मतदान यहाँ इंटरव्यू थोड़ी करना है सर, एक दो मिनट का आपकी वो उस पे मेन बात करनी है सर। पर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि किरण खेर पर इल्जाम ये लगाया गया कि 5 साल जो है वो अपने अभिनेता और अभिनेत्री के करियर के तौर पर उन्होंने ज्यादा लगाए और पॉलिटिशियन के तौर पर कम लगाए। यहाँ पर भारत माता की जय। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? आप 5 साल से यहाँ पे हैं सर, आपको पूरा प्यार मिला है और आपको वोट भी दी गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पिछले 5 साल में आपने क्या कराया। एक तो ये पढ़ लेना, दूसरा ये नहीं पढ़ना कि आपने रेवला के लिए क्या करवाया, तो आप दिखा दीजिए। बता देता हूँ, आप कितना पढ़े लिखे भाई? मैं जी बीए पास हूँ, एमए पास हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, और भी कोई बात बोलने किसी ने? जवाब दे देता हूँ, ऐसे थोड़ी ना पहले ये और यहाँ पे कोई और है। सुन लो मेरी, अब एक बार प्यार से दोनों हाथ खड़े करके बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय में भी दिक्कत है क्या? भारत तो माता है। आप नाराज थे तो एक मैसेज चला जाता है, तो सर सवाल करें ना सर। ना अभी छोड़ दीजिए, बात दो मिनट रुक जाए। अगर आप सीनियर संपादक है तो मैं भी देश का एक सीनियर नेता हूँ। बिल्कुल, इसमें इस तरह की हल्की बात करेंगे तो मुझे आपसे नमस्ते करना पड़ेगा। धन्यवाद। नहीं रवि जी, मैं उस पर भी बात, रवि जी मैं उस पर भी बात करूंगा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपसे। रविशंकर जी, रविशंकर जी मैं उस पर बात भी कर रहा हूँ। उनको बच्चा तरफ रोकता। रविशंकर जी नाराज हो गए, और क्योंकि हमने मैनिफेस्टो की बात की, हालांकि मैं उनसे बाकी मुद्दों पर भी बात करता, लेकिन धन्यवाद निर्मल जी, आप व्यापारी आदमी हैं तो व्यापार की बात करेंगे, स्वाभाविक है। हम जनता का ख्याल रखने के पक्ष के हैं और हम रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए पुडुचेरी को वणक्कम। तो अब फैसला आपको करना है कि क्या इसी नफरत की राह पर आप लगातार चलते रहेंगे, या फिर कम से कम अपने हुक्मरानों को बताएंगे कि आप हमें उस राह पर न ले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल्ट फॉलोइंग है, जो इनकी फॉलोइंग है, आप सोचिए कितने बड़े प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। मगर मोदी जी, आज ये आपको खुद सोचना होगा कि आप खुद क्या बन रहे हैं और आपके समर्थक किस रास्ते पर हैं। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। मेरी आप सबसे अपील कि इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।